सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एचई क्लासेस के पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे रोपेक्स जेटी परियोजना के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ओडिशा में धामरा नदी पर 110.60 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना को विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। आइए जानते हैं रोपेक्स जेटी परियोजना को। रोपेक्स जेटी परियोजना ओडिशा में धामरा नदी पर बनेगी। भारत सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला पहल के तहत ओडिशा के भद्रक जिले के कनिनली और केंद्रपाड़ा जिले के तलचुआ को जोड़ने के लिए हर मौसम में काम करने वाले रोपेक्स जेटी और उससे जुड़ी बुनियादी ढांचे को विकसित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। ओडिशा सरकार रोपेक्स जेटी परियोजना के लागत का 50% हिस्सा वहन करेगी। परियोजना की कुल पूंजी लागत 110.60 करोड़ रुपए है, जिसमें कनिनली और तलचुआ में रोपेक्स जेटी का निर्माण, पार्किंग क्षेत्र का विकास, नौवहन संबंधी सहायता और ड्रेजिंग जैसी उपयोगी बुनियादी ढांचे शामिल हैं। आइए जानते हैं रोपेक्स जेटी परियोजना के लाभ को। ये परियोजना सड़क मार्ग के 6 घंटे के सफर को जल मार्ग से कम कर 1 घंटा कर देगी। ये परियोजना धामरा नदी के आसपास रहने वाले लोगों को रोजगार के अप्रत्यक्ष अवसरों की सुविधा प्रदान करेगी और तलचुआ से धामरा तक सड़क की दूरी को 200 किलोमीटर कम कर देगी। यह परियोजना अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा को बढ़ाएगी। इससे संपर्क में वाणिज्यिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और आसपास के क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आइए जानते हैं सागरमाला परियोजना को। भारत सरकार ने वर्ष 2016 में बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने हेतु सागरमाला परियोजना की घोषणा की थी। सागरमाला परियोजना के तहत लगभग 6 करोड़ लागत से 574 से अधिक परियोजनाओं को 2015 से 2035 के दौरान क्रियान्वयन के लिए पहचान की गई है। ये परियोजना भारत में बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय को नोडल एजेंसी के रूप में विकसित किया गया है। एचई क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।